देखिए ये जो किलिंग्स जितनी भी हुई हैं वो उसकी अब तो हम मजम्मत करते करते जो हम थक गए हैं, रोज़ कोई ना कोई किलिंग। और ख़ासकर बिंद्रू साहब जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी यहाँ कश्मीर को दी, यहाँ के लोगों की खिदमत की, और ये बहुत बड़ा सानिया है। और आज भी दो हमारे टीचर मारे गए हैं। तो मैं समझती हूँ ये जो डबल इंजन सरकार है उसकी बड़ी सबसे बड़ी नाकामी है, क्योंकि उन्होंने जम्मू कश्मीर में जो पिछले 2.5 साल से यहाँ जो जुल्म ढाए हैं, यहाँ जो सख्त पॉलिसी अपनाई है, सिर्फ हमको ये कहते हैं ये सिक्योरिटी के लिए हम कर रहे हैं और मिलिटेंसी को ख़त्म करने के लिए कर रहे हैं। चाहे वो घर घर में क्रैक डाउन हो, चाहे मारपीट हो लोगों की, चाहे लोगों को नौकरी से निकालना हो, चाहे जर्नलिस्ट को तंग करना हो, चाहे लोगों के जो बिजनेसमैन हैं उनके घर में छापे, सब कहते हैं ये हम कर रहे हैं क्योंकि हम मिलिटेंसी को कंट्रोल कर रहे हैं। मगर एट द एंड ऑफ द डे कि आप देखिए कि जितने हालात ख़राब हो रहे हैं, अभी आपने खुद कहा कि पिछले 2 दिन के अंदर 5-7 किलिंग्स हो रही हैं हमारे यहाँ हो गई हैं, और अभी ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा, शाम को मीडिया पे चलेगा, बहस चलेगी हिंदू मुस्लिम, उसके बाद कोई और हादसा हो जाएगा। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले यूपी में वो बहुत बड़ा हादसा हो गया जहाँ बीजेपी के एक मिनिस्टर के बेटे ने, जो कहा जाता है कि 8 लोगों को रौंद के चली गई और कोई कार्रवाई नहीं हुई, आज ये वहाँ से अटेंशन डाइवर्ट हो गया आज इस सानिया की तरफ। अब खुदा ना खास्ता कल को कोई और हादसा होगा, फिर उस पर टीवी पे गोदी मीडिया पे डिबेट होगा हिंदू मुस्लिम, कुछ होना नहीं है। अब मुझे डर ये है कि ये जो सानिया हुआ, इस सानिया के बाद कश्मीर में और सख्ती करेंगे ये लोग, क्योंकि उनको बहाना मिल जाएगा अब और सख्ती का और जुल्म का और सितम का, जो पिछले 2.5 साल से इन्होंने यहाँ के लोगों का नाक में दम कर रखा है, जीने नहीं दे रहे हैं, रास्ते पे चलने नहीं दे रहे हैं, तलाशियाँ, छापे, NIA के अलग, ED के अलग, बिजनेस ख़त्म, JK बैंक को इन्होंने छोड़ा, यहाँ के जर्नलिस्ट उनके नाक पे दम कर रखा है। तो मैं समझती हूँ उसमें सख्ती और ज़्यादा होगी, और जो है जो इनकी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कश्मीर के लोगों के ऊपर और दबाव आएगा और उनको तंग किया जाएगा।